जय हिंद एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका स्वागत करती हूं आपके प्यारे से टॉप तक चैनल पे। तो चलिए देखते हैं कि आज ट्रिक के पिटारे में से मैं आपके लिए कौन सी बेहतरीन ट्रिक लेके आई हूं। आप सब ने देखा होगा कि भारत और भारत के चारों तरफ बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, जो कि कभी कभी जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमको याद नहीं हो पाते। तो चलिए देखते हैं कि उनको याद करने की ट्रिक क्या है। और ये रही आपके सामने, भारत के साथ जो स्थल सीमा बनाते हैं, कोई पानी वाली सीमा की बात नहीं करें क्योंकि वो तो दो ही है, आप सबको याद है। स्थल सीमा जो देश बनाते हैं उनकी ट्रिक है, बचपन में ही MBA कर लिया था। क्या है? बचपन में MBA किया। अब देख लेते हैं कि इन शब्दों से, इन लेटर से हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश निकल के आते हैं। देखो, किया तो इसलिए लगा दिया क्योंकि एक बेहतरीन सा सेंटेंस आपके लिए बन गया। भाई बचपन में MBA कर लिया तो उसका तो फ्यूचर बस क्या ही होगा। बा से देखो, बांग्लादेश, जिसकी सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ। चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, एन यानी कि ना, बचपन में ना से हो गया नेपाल। उसके बाद डियर मैं है आपका साइलेंट, और MBA, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की, उसके बाद भूटान 699। बट ये अभी खाली देशों के बारे में ट्रिक याद करिए, क्या है? बचपन में MBA किया, जिसमें मैं और किया साइलेंट हो जाएगा क्योंकि एक बेहतरीन सा सेंटेंस आपके लिए बनाना था। तो बचपन MBA, इसके हमें शब्दों को, इसके लेटर्स को जोड़ना है और आपके लिए हो गई ना चुटकियों में भारत के पड़ोसी देश याद, सातों के सातों। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, बहुत ही आसान होगा। आपने बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान याद करना है। उसके अलावा कोई भी दूसरा देश आ जाए, कोई भी तीसरा देश आ जाए, आपको बस कांटे का निशान लगाना है, ठीक है, कि भाई ये नहीं है, इनसे अलग कोई देश नहीं है जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो है ना ये बेहतरीन सी ट्रिक्स। तो ऐसी ही ट्रिक्स अगर आपको ढेर सारी चाहिए, मतलब आपको सैकड़ों की संख्या में चाहिए, तो टॉप तक के ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे आपको ऐसी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक डेली मिला करेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना प्यार बरसाते रहिए और टॉप तक को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।